क्योंकि कुरान मजीद कुरान रशीद में जहाँ कुछ बातें सुनने को अप्रिशिएट किया गया है तो कुछ बातें सुनने से नाराज़गी का इजहार भी किया गया है, और फिर जो नापसंदीदा बातें हैं उन्हें जो नहीं सुनता तो अल्लाह ने उसकी तारीफ़ की है, इसने नापसंदीदा बातें सुनने से इनकार किया है। इस सिलसिला में रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है व इज़ा समिउ लग्वा अअ'रदू अन्हु, अच्छे बंदे वो हैं कि जब वो लगव बात सुने तो उससे एराज करते हैं। लगव बात सुनने से एराज करना ये हक वालों की शान है। किसकी सुने इसके लिहाज से ये कुरानी फैसला है कि सुनने के लिहाज से हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ सुनने वाली है और कौन सी सुनने वाली नहीं है। ऐसा नहीं घर किसी के लिए अपने कान खुले करके रख दिए जाएं, क्योंकि कानों का डायरेक्ट ताल्लुक दिल के साथ है और दिल एक हौज़ है, मुकद्दस पानी से भरा है, और अगर कानों की नाली के ज़रिए कोई भी गंदी चीज़ उस हौज़ में चली गई या कोई गंदा नज़रिया कोई गलत बात तो फिर वो दिल का जो मुकद्दस हौज़ है वो सारे का सारा मुतासिर हो जाएगा और इंसान का बहुत बड़ा खसारा होगा। तो इस बुनियाद पर ये देखना है कि ये कान जो दिल तक दिन की रसाई है बराह रास्त, तो इनको सुथरा रखना कितना ज़रूरी है। अच्छी बात यहीं से दिल को नूर वाला बनाती है और बुरी बात जो है वो जब इन्हीं कानों से इंसान के दिल तक पहुंचती है तो फिर वो दिल उसका नूर ख़त्म होता है और उसमें माज़ल्ला अंधेरा छा जाता है। इसी बुनियाद पर कल की जो हमारी गुफ्तगू थी उसमें सामे की जो चार अकसाम बयान की थी उसमें यानी एक काश्तकार जो बीज बोता है चौथी किस्म थी जिसमें उसके अमल का फ़ायदा होता है। अब वो सारे का सारा मदार जो है चौथी किस्म तक का वो बीज पर है कि बीज काश्त करते वक्त कैसा बीज काश्त किया जा रहा है, यानी फसल ये शर्त थी कि वो बीज फेंकते वक्त सख्त जगह पे ना फेंका जाए कि वहाँ से परिंदे उसको चुग ना लें, फिर ये है कि ज़मीन नीचे पथरीली ना हो के जड़ को रुकावट ना आए, फिर यह है कि उसके अंदर जड़ी बूटियाँ ना हों ताकि पौधा सही फल फूल सके। तो ये सब तब मुफीद है कि जब बीज जो है वो कार आमद हो। अगर खुदा नखास्ता बीज ही जड़ी बूटी का है तो फिर आगे क्या इंसान को हासिल होगा। बीज ही किसी कांटेदार झाड़ी का है तो आगे उससे क्या इंसान को अनाज और फल हासिल होगा, या बीज के साथ साथ जड़ी बूटियों के बीज मिक्स कर दिए गए हैं, या बीज जो है वो खोखला है थोथला है अंदर से मारा हुआ है। तो इस बुनियाद पर ये जो काश्तकार है जिसकी सारी मेहनत के आगे तकाजे हैं उसको ये सोचना है कि जो बीज वो इस्तेमाल कर रहा है वो मारा हुआ एक्सपायर जिसकी डेट है ऐसा ना हो, फिर जिस चीज़ का है वो ज़्यादा कीमती हो, मसलन गंदम का है वो जौ का बीज नहीं, वो उसके पेश नज़र माल्टे या आम का फल है तो वो बीज कीकर का नहीं, ये शनाख्त। और फिर ये है कि बीज तो उसी किस्म का है जो वो चाहता है लेकिन उसमें घटिया किस्म है या उसके साथ उसमें उगने की सलाहियत नहीं, तो ये एक अच्छे काश्तकार के लिए ज़रूरी है। तब जाकर आगे ज़मीन उस बीज को अमानत के तौर पर रख के फिर उसकी परवरिश कर सकती है। तो ऐसे ही किसकी सुने में सामे पर ये ज़रूरी है कि वो
जिसकी सुन रहा है उसके बारे में उसे पता हो कि वो सुनाता क्या है, वो किस नजरिए का हामी है, उसका अकीदा क्या है, उसकी आदात क्या है, उसका शख्सी किरदार क्या है, उसके मामलात कैसे हैं, उसके किन लोगों से रवाबित हैं, किन लोगों से उठना बैठना है, कहीं उसके अकीदे के अंदर कोई कजी तो नहीं, कहीं उसका यहूद व नसारा या बद अकीदा लोगों से उठना बैठना तो नहीं, कहीं उसके अकायद व नजरियात जर्द या स्याह तो नहीं। तो ये सारा सामने पर लाजिम है कि वो चेक करे कि वो किसकी बात सुन रहा है। इस वास्ते कुरान मजीद बुरहान रशीद में ये कहा गया वैजा समी अनहो, कि जब लगम बात हो तो फिर जो है ये उससे एराज कर लेते हैं, वो बात नहीं सुनते। यानी यहाँ ये नहीं है कि कहा जाए कि बंदे आकर वो बात कर रहा था तो अच्छा खुलक ये है कि उसकी सुनी जाती, यहाँ ये है कि एराज किया जाए, वाक आउट किया जाए और एहसास दिलाया जाए कि ये बात गलत है और गलत बात क्यों की जा रही है। इस सिलसिला में मजमू तौर पर जो मस्मू है यानी जो बात सुनी जा रही है उसकी तीन किस्में, और उनके लिहाज से फिर आगे कैटागरीज बनेगी कि हम किसकी सुने। पहले नंबर के जो मस्मू यानी आवाज जिस चीज की आ रही है, जो चीज सुनाई दे रही है, वो ऐसी है युहिब्बुहुल्लाहु वयर्दा, कि जिससे अल्लाह प्यार करता है और जिसे अल्लाह पसंद करता है, और उसका रब ने अपने बंदों को हुक्म दे रखा है ये सुनो तुम। और मजमूई नेटवर्क से खुश होता है, ये पहले किस्म के मस्मूआत हैं, यानी वो मजामीन के सुनने से अल्लाह ताला खुश होता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं और फिर सुनने सुनाने वालों को अजर मिलता है। दूसरी किस्म की चीजें वो हैं कि जिनको रब नापसंद करता है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन चीज़ों को नापसंद करते हैं, और उनको जुबान पर लाने से रब ने रोक रखा है कि कोई ये चीज़ें जुबान से बयान ना करे और कोई ये चीज़ें कानों से ना सुने, और फिर जो वो चीज़ें सुनते सुनाते हैं उनके लिए वईद बयान की गई है, और जो ऐसी बातों के सुनने सुनाने से एराज करते हैं उनकी तासीम की गई है। ये दूसरी कैटेगरी है मस्मू की। तीसरी वो है कि जो मुबाह है, यानी उसमें ना सुनने में कोई सवाब मिलता है और ना ही कोई वईद है, यानी ना वो ऐसी एक ऐसी पसंद हो कि उस पर अजर व सवाब मिले और ना ये कि ऐसी ना पसंद है कि उस पर कोई गुनाह मिले। वो मुबाह है, जिस तरह आम रूटीन में बंदा गुफ्तगू करता है मुबाह जायज़ कामों के बारे में। अब ये जो तीन कैटेगरीज बयान की हैं ये एक इंसानी कानों का मुकम्मल निसाब है। अगर वो ये चाहता है कि कल उसके कान उसके खिलाफ गवाही ना दे, कान इसके खिलाफ शिकायतें ना लगाएं, यानी कान अल्लाह ताला के दरबार में ये ना कहे कि रब ये किस माज़ अल्लाह कमीने बंदे के साथ तूने हमें लगाया था, ये तो
हमारे जरिए से फोहश बातें ही सुनता रहा, गैर महरम औरतों की आवाज़ें सुनता रहा, गाने सुनता रहा, ये इस तरह इसने नाजायज़ तरीके से हमें इस्तेमाल किया। कुरान और सुन्नत के खिलाफ जो पैगाम था, बुजुर्गान ने दीन के खिलाफ जो बात थी, अल्लाह के रसूल पर अल्लाह ताला के खिलाफ जो बात थी, उन मजामीन को सुनने के लिए ये हमें इस्तेमाल करता रहा कि रब तूने हमें किसी यहूदी नसरानी किसका काम बना दिया, किसी पर अकीदा का। तो इस बुनियाद पर इंसान के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने कानों के लिहाज से ये जो मजमू तौर पर तीन कैटेगरीज हैं, इनमें से उसका लाहे अमल ये हो कि जो मस्मू जो हैं अल्लाह के प्यारे हैं और अल्लाह ताला सुनने सुनाने वालों को मोहब्बत करता है, इनके लिए वो अपने मामूल में जगह दे और हमेशा ये लाहे अमल अपनाए। और जिनके से एराज़ करने से रब खुश होता है, दूसरी कैटेगरी के, तो उनसे एराज़ में ये ज़िंदगी बसर करें। यानी ये जो लफ्ज़ सबर है ना कि वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सबर, तो ये सबर का बड़ा वसी मज़मून है। हर उज़्व का जो गुनाह है उससे उसे रोक के रखना, ये सबर है। तो कान जो है वो अपने हिस्से का गुनाह करना चाहते हैं कि शरीयत ने जिन आवाज़ों से रोका है कान वो सुनना चाहते हैं, तो इस बुनियाद पर सबर ये होगा कि बंदा सारी ज़िंदगी अपने कानों को कोई गलत आवाज़ ना सुनने दे, कोई गलत नज़रिया, किसी फोहश गुफ्तगू की आवाज़ अपने कानों में ना आने दे। यानी अब जिस वक़्त शैतान का धंधा आम होता है तो लोग इस हद तक अपने कानों के हाथों मजबूर हैं कि वो अगर घर बैठे हैं तो फिर भी म्यूज़िक सुन रहे हैं, गाड़ी में हैं तो फिर भी म्यूज़िक सुन रहे हैं, अगर दुकान पे हैं तो फिर भी म्यूज़िक सुन रहे हैं, और फिर उन्होंने इसके साथ साथ यहाँ तक कि अगर उन्हें ये हो कि कोई दूसरा मुत्तले ना हो तो साथ उसके वो उसके लिए दीगर आलात को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये कानों की बेसब्री है। तो आज का जो हमारा मौजू है, किस की सुने, इसमें कुरान मजीद कुरान रशीद के मजमून के मुताबिक ये जो तीन कैटेगरीज बयान की गई हैं इन्हें पेश नज़र रखना अज़हद ज़रूरी है। और दूसरी तरफ जब हम इसको बिलखसूस मुबल्लिगीन के लिहाज से बयान करेंगे, वाइज़ीन के लिहाज से, मुदर्रिसीन के लिहाज से, मुस्लिहीन के लिहाज से, इसमें यह है कि इंसान जब सेलेक्ट करे कि वो किसकी बात सुने, तो फिर उसे वो काश्तकार के किरदार में जो बीज का किरदार है उसे पेश नज़र रखना चाहिए कि जो उसने मजमून सुनना है वो उसके दिल की खेती के लिए एक बीज की हैसियत रखता है। और अगर वो मुबल्लिग, वो लीडर, वो गुफ्तगू करने वाला बीमार नज़रियात वाला है तो यकीनन उसकी तबलीग इसकी तरफ बीमारी मुंतकिल करेगी। अगर उसकी जो अफकार हैं वो पेटेंट और मुस्तनद नहीं, यानी वो सुनी सुनाई बातें करता है, तो इस तरह फिर कच्ची बातें ही इसकी तरफ मुंतकिल होंगी। अगर उसके अंदर कुछ बद अकीदगी है तो फिर वो बीज भी सही नहीं, सारी मेहनत जो है वो रायगां चली जाएगी। और ऐसे ही बवक्ते वाज मजाक जो है इसको भी जहालत करार दिया गया है। तो यानी ऐसा वक्त के जब तामीर
का पीरियड है उसमें तखरीज जो है यकीनन वो मायूब है। इसका ये मतलब नहीं है कि खुश मजाजी की इजाज़त नहीं, यकीनन उसकी इजाज़त है, मगर ये कि तबलीग का जो पीरियड है और वक्त है उसको खराफात और लताइफ इस तरह के वाहियात और लघवियात कि जिससे असल मकसद ही फौत हो जाए, लोग फिक्र आखिर से आरी हो जाए, तो वहाँ तो है वैदा समी लघ व आरधुअन हो कि जब लघव बातें हों तो फिर वहाँ पर ज़रूरी है कि इंसान उससे एराज करे। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रबीउल जलाल ने उसूल रखा फला तक़ुद बादा ज़िक्र माल कौमिल ज़ालिमीन, अगर कहीं अल्लाह की आयात का मजाक उड़ाया जा रहा, इस्लामी नज़रियात का मजाक उड़ाया जा रहा, सुन्नत का मजाक उड़ाया जा रहा, इस्लामी अकायद का मजाक उड़ाया जा रहा, अल्लाह ताला फरमाता है हराम है कि तुम वहां बैठो, यानी बैठोगे तो सुनोगे। तो असल मकसद यह है कि वो बात तुम्हारे कानों तक ना पहुंचे। अब इससे हमें ये देखना है कि एक मुस्लिम सोसाइटी के अंदर कानून के लिए माहौल साजगार करना कितना बड़ा फरीजा है, यानी शरीयत के अंदर मुस्लिम माशरे में जिस तरह पानी में जहर डाल देना बहुत बड़ा जुर्म है कि एक कॉलोनी है उसकी टैंकी बनी हुई है, सारे कॉलोनी में उससे पानी जाता है और उसमें कोई जहर डाल देता है, अब ये जुर्म है सोसाइटी के अगेंस्ट, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और ये सिर्फ हमारे माशरे में नहीं, इतना बड़ा जुर्म अमेरिका भी इसको समझता है। ऐसे ही फिजा में कोई जहरीली गैस छोड़ दे, बहुत बड़ा जुर्म है। तो इन दोनों जराइम से बड़ा जुर्म यह है कि इस्लामी सोसाइटी के अंदर मुसलमानों के कानों तक कुफ्र या तबलीग पहुंचती हो, काफिराना गुफ्तगू पहुंचती हो, वाहियात और शर्मो हया का की धजियां उड़ाने वाले प्रोग्राम पहुंचते हों। और आज यानी इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं कि फिजा पर कितना कंट्रोल होना चाहिए कि कोई गैर मुस्लिम चैनल सैटेलाइट के जरिए से मुसलमानों तक अपना जहर ना पहुंचा सके, जो तौहीद के खिलाफ, रिसालत के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ, दीन के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ जो दिन रात हजारों चैनल जो हैं वो जहर घोल रहे हैं, और ये जहर उस टैंकी के पानी में डाले गए जहर से बड़ा है, क्योंकि उससे जान जाती है और इससे ईमान जाता है। और ये रोजाना ये धंधा हो रहा है, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से ऐसा से ज्यादा जाता रहा। आज सितम बाराय सितम है कि इस पर ये एहसास ही नहीं कि हमने इस जहर से बचना है, यानी चाहिए तो ये कि बाहर दूर से अमेरिका, बरतानिया, इसराइल, इंडिया, उनके गंदे नजरियात जो कि इंडिया की हमारे टूनेशन थ्योरी के खिलाफ उनकी बातें हैं अखंड भारत की, या उधर से इसराइल की इस्लाम के खिलाफ, अमेरिका बरतानिया की खत्म नबूवत के खिलाफ, तो ये कोई बात भी पाकिस्तान की हदूद में कोई सुनना चाहे तो सुन ना सके, यानी इतना नेट पे कंट्रोल हो, जो नेट की ट्रैफिक है, जिस गेट से ये सब कुछ आता है वहां पर इस अंदाज में कंट्रोल हो। लेकिन यहां तो ये है कि हमारे माहौल में बाकायदा स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में और मुख्तलिफ चैनलों पर गैर मुस्लिम जो सकालर हैं, हलाकत और गुमराही तकसीम करने वाले, उनको हायर करके अपने बच्चों को उनके जरिए तबाह बर्बाद कराया जाता है।
और इस तरह मुख्तलिफ फोरम बने हुए हैं, मुख्तलिफ एनजीओज हैं, मुख्तलिफ डायलाग बने हुए हैं, इस तरह तंजीमें डायलाग की। तो इस्लाम ये चाहता है, यानी आप ये देखें कि ये क्यों एक लिबरलिज्म मुसलमानों में आ रहा है, क्यों नस्लें जो जो जनरेशन अगली आती जा रही है इस्लाम का रंग उनसे उतरता जा रहा है। कि ये बातिल परस्त तो मुसलसल बमबारी कर रहे हैं अपने चैनलों के जरिए से, ज़रा अबलाग के जरिए से, और इधर हमारे अंदर तहफ्फुज का जज्बा ही नहीं है। यानी जब किसी को किसी चीज से बचने का जज्बा हो तो वो बिलाखर बच सकता है, लेकिन जिसके अंदर जज्बा ही ना हो, मसलन जब सैलाब आ जाए तो इस वक्त सबको है कि सैलाब आ गया, बचो बचो, लेकिन जो बेहयाई का सैलाब है उससे बचने की किसी को फिक्र ही ना हो, तो ये सबसे बड़ा अलमिया है। इस वक्त हमारे माहौल में जो मस्मू की कैटागरीज हैं उनमें, यानी हमने अपनी औलादों के और अपने कान बिल्कुल बगैर किसी रुकावट के दुश्मन के सामने पेश किए हुए हैं, और वो जो गंद भरना चाहते हैं वो भर रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ जो चीज वो उसको किसी तरह का रंग देकर वो लाना चाहते हैं वो ला रहे हैं, और उम्मत मुस्लिमा लेटी हुई है आगे, और इनके दिमागों में वो चीजें फीड हो रही हैं। तो ये निजाम हमें मजबूत करने की जरूरत है, वरना नाम मुसलमानों के होंगे और दिमाग अंदर अंग्रेज का होगा। यानी चलते चलते इस तरह की नस्लें बन जाएंगी कि नाम जो है वो इस्लामी होगा मगर काम शैतानी होंगे, और ये होगा कि उनसे जब पूछा जाएगा कि इस्लाम क्या है तो माशाल्लाह कहेंगे बाप दादा से सुना है कि एक मजहब होता है इस्लाम, और हमारा भी वही मजहब है। तो उनसे पूछा जाएगा नमाज क्या है तो कहेंगे हाँ ये एक लफ्ज़ तो सुना है मगर हमें पता नहीं होती क्या है। इस तरह की नौबत आ जाएगी। और बाकायदा हदीस में इस बात का जिक्र है कि जिस तरह कपड़े के नक्शो निगार मिटते हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता धीमे होते जाते हैं, फिर मैं ऐसे ही इस्लाम के नक्शो निगार भी मिट जाएंगे। तो वो ऐसे इस अंदाज में मिटेंगे कि जिस तरह की ये एक सूरत हाल में इस मौजू में सामने बयान कर रहा हूं। तो इसके अंदर ये चीज भी हमें अकायदो नजरियात के लिहाज से देखनी है, मस्मू कि किसकी सुने। इसमें सही मुस्लिम शरीफ से मैं एक मिसाल ये भी सामने रख रहा हूं कि किताबुल ईमान के अंदर है, सही मुस्लिम शरीफ में, कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनने का कितना ऊंचा मर्तबा मकाम है, और सुनने सुनाने का जो नेटवर्क है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए कितनी दुआएं मांगी हैं। नद्दर अल्लाहु अब्दन सामिया मकालती फहफिलहा ववाहा वअद्दाहा, ऐ अल्लाह उस बंदे का चेहरा हमेशा तरोताजा रहे, कभी भी ना मुरझाए, ना दुनिया में ना आखिरत में। किसका? हमारे आका अलैहि सलाम फरमाते मन सामिया मकालती, जिसने मेरी हदीस सुनी। यानी सुनने के लिहाज से सुनो तो सही, और किसकी सुने? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मन सामिया मकालती, ये भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करोड़ों बार एहसान है। अगरचि हम वो जमाना नहीं पा सके मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी महरूम नहीं रखा, क्योंकि मन सामिया मकालती में हम भी हैं, हमारी नस्लें भी हैं, क्यामत तक जो भी हदीस सुनेंगे शौक से वो इस लिस्ट में आ रहे हैं। और लोग पीरों फकीरों से दुआ करवाते हैं, फायदा होता है, लेकिन उस दुआ का क्या कहना जो नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए हैं, और किन के लिए के जो इस मौजू में कामयाब है कि किसकी सुने, कि वो अरे गहरे की बात नहीं सुनते, वो नबियों के सुल्तान हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
हदीस सुनते हैं, समिया मकालती फहफिज़हा, ये जो सुनने के आगे कुछ हम तकाजे बयान करेंगे वो भी साथ हैं कि सुन के उसने याद कर लिया। वाहा, एक बार ही नहीं याद किया, फिर याद करके उसे याद रखा, यानी जिस तरह हिफज है याद करना और फिर हमेशा अपने हिफज को सलामत रखना, ये वाही है। वह अद्दाहा, और आगे फिर किसी तक वो हदीस पहुंचा देना। इनके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, इनको नदरत नईम की करीम लगी है, इन चेहरों के लिए बहार है कि ये चारों काम सुनने से लेकर सुनाने तक, मन समिया मकालती फहाफिज़हा ववाहा वअद्दाहा, आगे पहुंचा दिया सुनाने के जरिए से या लिखकर किसी जरिए से। तो इस बुनियाद पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के लिहाज से अगरचे सुनने में कितना शौक है और कितना बड़ा मकाम मर्तबा है, लेकिन जब मिलावट का दौर शुरू हुआ तो इस पर भी बाकायदा कवानीन बनाए गए कि किसकी सुने। जो कहे कि मैं हदीस सुनाता हूं, हर एक की नहीं, अगरचे हदीस की बड़ी शान है, मगर यह भी तो देखना है कि सुनाने वाला कौन है। अब ये सही मुस्लिम शरीफ के मुकद्दमा में ये जिक्र है, और ये सही मुस्लिम शरीफ का मुकद्दमा तकरीबन जखीरा हदीस में किसी किताब का अहम मुकद्दमा इतना नहीं जामे और मुफीद जितना सही मुस्लिम शरीफ का मुकद्दमा है। तो सही मुस्लिम शरीफ के मुकद्दमा के अंदर इमाम इब्ने सीरीन का ये कौल है, कहते हैं लम यकूनु यसअलूना अनिल इस्नाद, के लोग इस्नाद के बारे में सवाल नहीं करते थे। इस्नाद जो है इस उम्मत की स्पेशलाइजेशन है, सनन लुगवी तौर पर इस्नाद का मतलब है किसी चीज को किसी सहारे खड़ा करना। मसलन एक लकड़ी है, खुद नहीं खड़ी हो सकती, वो दीवार के साथ टेक लगाएंगे, तो ये टेक लगाना इस्नाद है। तो एक है टेक्स्ट यानी हदीस के अल्फाज, और दूसरा जो है वो है चेन ऑफ अथॉरिटीज के जिनके जरिए से हम तक पहुंची है। अब ये जो जरिया है इस पर मदार है सारा हदीस का, इस वास्ते इसको सनद कहते हैं, और सनद के बयान करना ये इस्नाद होता है। तो इमाम इब्ने सीरीन जो ताबीन के बहुत बड़े इमाम हैं, यानी अभी ये सहाबा के शागिर्द हैं, कोई दूर की बात नहीं, पर जिस जमाने में है उस जमाने में यकीनन अभी सहाबा भी हैं। तो कहते हैं लम यकूनु यसअलूना अनिल इस्नाद, के लोग हमारे मुआशरे में सनद नहीं पूछते थे, यानी जब कोई बंदा आ गया है मोहतरम शख्सियत, वो कहता है काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सहाबी नहीं वैसे कोई, क्योंकि अब ये भी तो हो सकता है ना कि अभी ताबीन का जमाना है, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंचने के तीन वास्ते हों, चार वास्ते हों, क्योंकि वास्ता तो थोड़ी सी मुद्दत में भी हो सकता है कि सहाबी से एक शख्स ने सुना ताबी ने, फिर उसी ताबी से किसी दूसरे ताबी ने सुना, फिर किसी तीसरे ने सुना, फिर चौथे ने सुना। अब आगे जाकर जब बात आई तो ये पीछे चेक किया जाएगा कि किस किस से ये बात चल के आई है। तो पहले शौक में और मिलावट नहीं थी तो सनद नहीं पूछते थे, यानी यही होता था कि किसी ने आके कहा कि फलां बुजुर्ग एक आए हुए हैं हमारे घर, आओ उनकी पास कोई सुन लो, यानी ये बाकायदा जलसे या इस तरह के इत्तेमाद या कलासे ये तो था नहीं। तो इस तरह दीन की तबलीग चल रही थी कि किसी ने कहा हमारे पास एक बुजुर्ग आए हैं, वो चंद बातें बताना चाहते हैं, आओ सुन लो, या कहीं लोग इकट्ठे बैठे ऊपर से कोई आके कहते हैं मैं तुम्हें दीन की बात बताना चाहता हूं। तो लम यकूनु यसअलूना अनिल इस्नाद, तो लोग नहीं पूछते थे कि ये जो तुमने बात हमें बतानी है हदीस शरीफ, ये तुमने किस से सुनी है। पहले ये पॉलिसी थी, फलम्मा वकातिल फितना,
लेकिन जब फितना वाके हो गया, कालू सम्मू लना रिजालकुम, फितना वाके हो गया, इब्ने सीरीन अपने अहद में, यानी जब उन्होंने ये लफ्ज बोले तो उससे पहले तो वाके हो चुका था, तो पता चला फितना ताबीन के जमाने में आ गया। तो अब क्या पॉलिसी बनी कि जब कोई अच्छी बात सुनाना चाहता है, किसकी सुने इस मौजू पर, ये बड़ा अहम मवाद है कि अब जिस वक्त कोई सुनाना चाहता है, अगर उसने दाढ़ी रखी है, इमामा बांधा है, बड़ा बुजुर्ग लग रहा है, वो कहता है कि मैं अच्छी बात सुनाना चाहता हूं, इब्ने सीरीन कहते हैं अब हमारा रवैया ये है, हम कहते हैं सम्मू लना रिजालकुम, तुम अपने असातिज़ा के नाम बताओ, सम्मू लना रिजालकुम, जो तुम्हारे रिजाल हैं, रिजाल रजुल की जमा, तो रिजाल से मुराद कि ये जो हदीस तुम बयान कर रहे हो इसके रावी दरबारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है वो बताओ कि तुमने किससे सुनी, उन्होंने किससे सुनी, आगे उन्होंने किस सहाबी से सुनी, ये हमें दरमियान में क्लियर करो, ये हमने पहले जानना है तो फिर हमने हदीस सुननी है। अब नाज़रीन ये बात देखनी पड़ेगी, आज एक ये लोगों का मुहावरा है कि सारे कुरान ही पढ़ते हैं, सारे हदीस ही पढ़ते हैं, सारे दीन ही बयान करते हैं, इसमें ये क्यों फिरका वारियत है कि फलां की सुनो फलां की ना सुनो, ये सब की सुननी चाहिए। अब यहां पर ये है 15वीं सदी और उस वक्त तक अभी दौरे ताबीन, फितना से मुराद क्या है, बद एतिकादी, कि जब फितना आ गया मतलब यह है कि मुआशरे में लोग बन गए रफजी, मुआशरे में लोग बन गए खारजी, मोतजला मुअत्तला मुजस्मा। तो अब ये जो लोग थे उनके नजदीक हदीस गढ़ लेना कोई जुर्म नहीं था। तो अगर बंदा बद अकीदा है और उसने बात घड़ी हुई है और मंसूब सरकार की तरफ कर रहा है, तो आगे इससे कितनी हलाकत होगी कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई नहीं है वो सरकार की तरफ मंसूब कर रहा है, या वो घर के जो सरकार के फरमाए हुए को रद्द करता है वो सरकार की तरफ मंसूब कर रहा है। इस बुनियाद पर किसकी सुने, अभी दौरे ताबीन था तो उस वक्त ये पॉलिसी लागू हुई, किसकी सुने कि जब कोई सुनाने वाला सुनाता है तो कहते हैं सम्मूलना रिजालकुम, हमने हमें अपने रावी तो बताओ, रिजाल यानी असातिज़ा की का सिलसिला नसब तो बताओ, तुम किसके शागिर्द हो, तुम्हारे उस्ताद फिर किसके शागिर्द हैं, तुम्हारे उस्ताद जो हैं उनके वो आगे किसके उस्ताद के उस्ताद किसके शागिर्द हैं। तो आज इस पर भी थोड़ा सा रुक के तवज्जो करो कि ये जो चैनलों की भरमार है और ये तबलीग के नाम पर जो धंधा है, तो क्या लोग ये देख रहे हैं कि ये जो बयान कर रहा है इसके उस्ताद का नाम क्या है, ये कहां का पड़ा हुआ है। तो अगर उस वक्त हक के लिए और अपना ईमान बचाने के लिए ये जरूरी था चेक करना, तो आज क्यों जरूरी नहीं। अगर उस वक्त मिलावट 5% थी तो आज तो 100% से भी बढ़ गई है, और उस वक्त के लोग जिन को शिकार करना मकसूद था मिलावट का, वो इतनी अच्छी सलाहियत वाले थे कि आज के उलमा जो हैं वो भी इतनी अपनी पक्की सोच नहीं रखते जितनी उस वक्त के आवाम रखते थे, वो ताबीन थे। तो इस बुनियाद पर किसकी सुने, यहां कहते हैं कि कासम्मू लना रिजालकुम, अपने रिजाल बताओ, चेन ऑफ अथॉरिटीज। अब क्यों पूछते थे, सिर्फ पूछना, आज तो पूछने को ऐब समझा जा रहा है, यानी ये तमीज जो है इसको फिरका वारियत कहा जा रहा है, क्योंकि इस तमीज की वजह से कई लोगों की दुकानें बंद होती हैं, तो वो इस तमीज पर फायरिंग करते हैं, वो
कोई मिर्जा जहनमी हो या गामदी हो या इस तरह की कैटेगरीज के लोग जो हैं कि इस ये तुम इंतशार और तफरीक बना रहे हो, यानी उनको यह है कि चोर चोरी करता रहे और बल्ब ना जलाया जाए। अगर बल्ब जल जाएगा तो चोर का पता चल जाएगा। बल्ब जलाने को फिरका वारियत कह रहे हैं, और इमाम इब्ने सीरीन कहते हैं ताबीन का जमाना था, हमने उस वक्त ही बल्ब जला लिए थे। सम्मू लना रिजालकुम, अपने रिजाल बताओ। ये क्यों पूछा जाएगा? फयुनज़रु इला अहले सुन्ना फयुखज़ु हदीसुहुम फयुनज़रु इला अहले सुन्ना। कि रिजाल पूछने का मकसद सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी नहीं है कि अपने उस्ताद का नाम बताओ, दादा उस्ताद का नाम बताओ, फॉर्मेलिटी पूरा करना मकसद नहीं है, बल्कि अगर उस्ताद सुन्नी है, दादा उस्ताद सुन्नी है, ये हदीस उनके जरिए से आ रही है तो फिर हम मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। ये है जमाना ताबीन का, उनका इल्म, उनका तकवा, यानी उनके अंदर गलती को रोकने की जो कुव्वत मुदाफत है अपने नजरिए की बुनियाद पर और अपनी रूहानी कुव्वत की बुनियाद पर हमसे करोड़ों दर्जा ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा हम चेक करेंगे। फयुनज़रु इला अहले सुन्ना, सुन्नी ज़राए से बात होगी तो फिर हम लिखेंगे, याद करेंगे। फयुख़ज़ु हदीसुहुम, उनके जरिए हदीस अगर के सरकार की है लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकली हुई तो सारी ही कती है आयत की तरह है। अब आगे हम तक पहुंचने में ये दरमियान में रावियों का दखल है, रावी पक्के होंगे तो फिर हदीस पक्की होगी, यानी इससे ये नहीं कि कोई हदीस के लिहाज से किसी तरह का इश्तिबा है, हदीस तो हदीस है लेकिन हम तक पहुंचने के लिहाज से यहां जरूरी है कि देखा जाए कि जरिए किस से आ रही है बात, ये घर के तो नहीं या कोई लफ्ज मिक्स तो नहीं कर रहा। तो ये तय था ताबीन के जमाने में भी कि सुन्नी नहीं गढ़ते और सुन्नी अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम में मिलावट नहीं करते, इस वास्ते सुन्नी को पहचाना जाता था। वयुनज़रु इला अहलिल बेदाए फला युखाजु हदीसों, जो गैर सुन्नी है यानी सारे जो गड़े हुए अफकार थे वो सारे बिदती थे, खा वो रवाफिज हों, खवारिज हों, मुतज़िला हों, तो अगर ये किसी का नजरिया होता था फला युखाजु हदीसों, उनसे रिवायत करदा हदीस नहीं ली जाती थी। किसकी सुने? आज तो कैसर साहब की ही सुने, हालांकि ये जो सुनने वाले हैं इनका कोई अपना मेरिट ही नहीं, यानी पुख्तगी नहीं। उधर जो चट्टानों से मजबूत ईमान रखते थे वो फिर भी पाबंदी कर रहे थे कि हर किसी की नहीं सुननी, देखना है, पूछना है उस्ताद कौन है, दादा उस्ताद कौन है, परदादा उस्ताद कौन है। फयुक खाजु हदीस हो तो फिर उनकी हदीस ली जाएगी अगर अहले सुन्नत है, और अगर अहले सुन्नत नहीं है तो फिर उनकी हदीस नहीं ली जाए। अब उस वक्त इतना जरूरी था, आज यानी इस दौर में अहले सुन्नत के अंदर कुछ लोग क्यादत तक पहुंचे, हालांकि वो अपने उस्तादों के नाम मजमे में नहीं बता सकते, यानी ऐसे ऐसे मदारिस के पड़े हुए हैं और ऐसे ऐसे असातिज़ा के शागिर्द हैं कि वो अगर अपना तारुफ उनके जरिए से कराएं तो खुद उनके सर झुक जाएं, यानी वो अपना सिलसिला नसब नहीं बता सकते, अपना उस्तादी शागिर्दी का सिलसिला नबल सिलसिला नसब, और कुछ पीरी मुरीदी का नहीं बता सकते कि उनके पीर उस दर्जे के गुमराह हैं कि जो मिलाद के खिलाफ तकरीरें करें या मिलाद के जुलूस पे पथराव करें, उनके जो मदारिस है जिनसे उन्होंने पढ़ा है उनका नाम नहीं बता सकते कि वो पक्के खवारिज के हैं या रवाफिज के हैं। इस बुनियाद पर इन चीजों का बिल आखिर जो है वो फर्क पड़ता है, और वो चीजें अगरचे अब हदीस तो
मुदव्वल हो चुकी है, लेकिन फिर भी रह रसम के लिहाज से ऐसी चीजें आगे असर करती हैं, जिस मस्जिद का खतीब जो है वो सुला कुल्ली है, यकीनन वहां के नमाजियों पर असर होगा। जिनका पीर जो है वो तफजीली है या रफजी मायल है या खारजियत के लुक में उसने खाए हुए हैं, तो यकीनन उन लोगों पर आगे असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं। तो इस वास्ते ये कहा गया कि इल्म एक दीन है। देखो ये किस से हासिल कर रहे हो, इन हाज़ल इल्म दीन, ये इल्म खुद दीन है। फंजुरू अमन तखुजून दीनकुम, देखो तुम दीन ले किस से रहे हो, यानी वहां गोश्त लेने में, अगरचे आज तो वो भी लोग नहीं देखते कि कसाई का अकीदा क्या है, तो वहां देखते हो तो ये जो ईमान की रजा है ये जहां से लेते हो, यहां क्यों नहीं देखते कि किसका हम लेक्चर सुनते हैं, किसको टीवी पे सुनते हैं, किसको किसके क्लिप सुनते हैं, किसकी बात सुनते हैं, ये इस बुनियाद पर। यानी अगर मैं अपनी तरफ से एक कोई नजरिया बयान करता तो यकीनन ये फिर चेक करना पड़ना था कि ये बंदा जो बयान कर रहा है तो क्या ये भी बात ठीक है। तो मैं तो कुरान और सुन्नत और सहाबा और ताबीन के जरिए से इस बात को वाज़े कर रहा हूं कि किसकी सुने, ये इस वक्त का बहुत बड़ा मसला है कि ये पहचान नहीं है, ये पहचान नहीं है कि किसकी सुननी है। लिबासे खिजर में या सैकड़ों रहजन भी फिरते हैं, अगर जिंदों में रहना है जरा पहचान पैदा कर, कितने खिजरे राह बने हुए हैं, कितने लीडर बने हुए हैं, कितने कायद बने हुए हैं। जो कायद नहीं लेकिन कशक वाले काफ वाले यकीदों ना कैदा वाला धंधा करते हैं। तो इस बुनियाद पर यानी महल्ले का खतीब भी तो एक कायद है, उसको भी देखना है, जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है उसको भी देखना है, जो तर्जमतुल कुरान की क्लास पढ़ा रहा है उसको भी देखना है, और आज इतना लिबरलिज्म है तो ये क्या देखना है, सारे एक ही पढ़ाते हैं। और अब इब्ने सीरीन कहते हैं कि हम तो इस तरह नहीं करते और चेक करके सिर्फ सुन्नी की तरफ से बात लेते हैं। अब आज हमें जो ताने देते हैं कि इन्होंने आकर ये तफरीक बना दी है, ये सुन्नी है, ये रफ़ी है, तो मैं पूछता हूं कि सही मुस्लिम कोई आज की लिखी हुई है, और मैं पूछता हूं कि इमाम इब्ने सीरीन कोई आज की बात है और वो कोई मामूली शख्सियत है, और ये मुकदमे के अंदर उनका कौल जिक्र करने वाले इमाम मुस्लिम जो उसूल के लिए इस बात को जिक्र कर रहे हैं, तो ये कोई मामूली मसला है, हरगिज ऐसा नहीं। यही दस्तूर है, अगर इंसान जिंदा रहना चाहता है खुद और अपनी औलाद और अपने मुआशरे के अंदर, तो फिर उसके लिए ये जरूरी है कि वो ये एहतमाम करे कि वो क्या सुन रहा है, अपने मुकद्दस दिल की खेती में कांटे तो नहीं बो रहा, चाहता है कि फूल खिले और बोता कांटे है, चाहता है कि वहां मालते होंगे और बोता कीकर है, तो फिर ये खुद इसकी बेवकूफी और हमाकत है। ये पहले अपना बीज तो चेक कर ले, उसके बाद फिर अल्लाह के फजल पर भरोसा करे, अल्लाह पर तवक्कुल करे। लेकिन जिसको डिमांड गंदम की हो और बीज जौ का काश करके कह रब के फजल से गंदम हो जाएगी, अल्लाह तो कुन से सब कुछ कर सकता है, मगर इसने तो जो करतूत किया है अब वो जौ के जौ ही होंगे, वो जौ से गंदम किस तरह हो सकती है। इस बुनियाद पर वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की तरबियत में भी ये चीज देखें कि वो किन स्कूलों में तालीम दिलवा रहे हैं, वहां लेक्चर देने वाले यहूदी हैं, क्रिश्चियन हैं, लिबरल हैं, तर्जमा कुरान पढ़ाने वाले वहां रफ़ी या खारजी हैं, तो ये बच्चा नहीं बच सकेगा। ये जो वालिदैन की उम्मीद है इस पर कि कल आफ्ताब बने, तो ये कोई अबू अंधेरा तो बन सकता है, ये सवेरा नहीं बन सकता। सवेरा तब बनेगा जब उसके लिए
सवेरे का इहतमाम किया जाएगा और किसकी सुने इस लिहाज से मुकम्मल तौर पर इस पर तवज्जो दी जाएगी। इसमें सुनने के बाद हमारे मुआशरे के अंदर एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और उसमें हम इल्ला माशाल्लाह सारे ही शरीक हैं कि एक बात जब किसी एक बंदे तक पहुंचती है सुनने के जरिए, आगे वो उसको रिवायत शुरू कर देता है ये चेक किए बगैर कि ये सच्ची भी है या नहीं, या पूछा जाए कि ये किसने कहा तो कहता है लोग कहते हैं। लोग कहते हैं ये एक रिवायत का अंदाज बन गया है, यानी धमाका हो गया माजला, किसने कहा लोग कहते हैं, फलां जगह ऐसा हो गया किसने कहा लोग कहते हैं, यानी खबर का जो माखिज है वो है लोग कहते हैं। तो इसमें अब आकर जब ये सोशल मीडिया और कमी तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया में भी नहीं, अब खबर 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 ये दिन में 24 घंटे करोड़ों लोग खबर के धंधे में हैं, किसी ना किसी जरिए से खबर दे रहे हैं। अब इसमें सुनने के बाद जो बात सुनी आगे सुनाने में जो शरी तकाजा है वो पूरा ना होने की वजह से बीमार नजरियात, झूठ, फेक चीजें मुआशरे में फैल जाती हैं। कुर्बान जाएं रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर कि एक मुत्तकी बंदा जो समझता है कि झूठ तो तब है ना कि मैं घर के बताऊं, तो अगर मैं सुनी हुई बता दूंगा तो फिर झूठ कैसे बनेगा। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सही मुस्लिम में, और सही मुस्लिम में पूरा बाब है, बाबुन नहय अनिल हदीस बिकुल मा सामिया, कि बंदा जो भी सुने आगे उसको अपनी जुबान से बयान करने से रोकने का बाब। ये पहले मौजू में हम बता चुके हैं कि इंसान की देखी हुई चीज से ज्यादा सुनी हुई चीजों का दायरा का है, देखी हुई थोड़ी होती है, हर बंदे की सुनी हुई ज्यादा होती है। अब सुनी हुई चीजें यानी अब ये है हदीस से हट कर भी, कुरान से हट कर भी अपने मुआशरे के अंदर किसी के बारे में किसी के लिहाज से कोई भी नजरिया, कोई वाकया, कोई भी पहलू, उसमें अगर बंदा ये समझता है कि मैंने चूंकि सुन लिया तो अब मैंने आगे सुनानी सुनानी है, तो ये मेरा तो झूठ नहीं, मैंने तो नहीं घड़ी, ये तो फला बंदा कह रहा था, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कफा बिल मरए काज़िबन, बंदे के झूठा होने के लिए यही काफी है, क्या अयुहद्दिसा बिकुल मा समिया, कि जो सुने वही सुना दे, जो सुने वही सुना दे। यानी अगर लिस्टें बने सच्चों और झूठों की तो फिर हर वो बंदा कि जो भी सुनता है जो भी वही आगे सुना देता है, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसका नाम झूठों की लिस्ट में लिखो, क्यों इसने जो सुना वो सुना दिया। तो ये किस की सुने, ये मौजू दरबारे रिसाले से चला कि वरना जो सुना है आगे सुनाना होता तो फिर किस की, क्या इम्तियाज ही कोई नहीं था, बल्कि एक बंदा जो है वो एक तरफ से सुन रहा है दूसरी तरफ सुना रहा है, इस तरह सर्कल चला हुआ है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें कितनी नफरत है कि तुम्हें कोई झूठा कहे, तो अगर तुम अपने बारे में ये पसंद नहीं करते कि तुम्हें कोई झूठा कहे तो फिर हर सुनी हुई बात आगे ना सुना दो, हर सुनी हुई बात आगे ना सुनाओ, क्योंकि जब तुम्हारी जुबान से निकलेगी तो जिम्मा तुम्हारा भी बनेगा और तुम्हारे पास उसका कोई सबूत नहीं, तुम्हारे पास उसके लिहाज से दलाइल नहीं, तो कम अज कम उसे तो लो, उसके माखिज पूछो उसके लिहाज से, तो फिर आगे
उसको रिवायत करो, वरना जो है वो तुम झूठे करार पाओगे। और इसमें दूसरी तरफ ये भी है कि जो सुनी हुई है सच्ची, और वक्त सुनाने का है, जो उस वक्त नहीं बोलता वो भी पकड़ा जाता है। यानी जिसे हदीस में कहीं गूंगा शैतान कहा गया, कहीं उसकी जुबान को आग की कैंची से काटने की वाइद दी गई है कि बात तुमने सुनी हुई थी, तुम्हारे पास हदीस थी, तुम्हारे पास दीन था, या कोई ऐसा वाक्या हो गया था, तुम ऐनी गवाह थे और तुमने वो बात जो है वो छुपाए रखी और तुमने खुद सुनी हुई थी और आगे बयान ना की। तो इस बुनियाद पर यानी यही इम्तिहान है इंसानी जिंदगी के हर वक्त के, जिसमें उसने इन सारे जाब्तों को पेश नजर रखना है कि हमारे दीन ने इन तमाम जिहात में हमारे लिए ये चीजें रखी हैं और इसके हम ताबे हैं, इसके जेरे साया फिर जिंदगी की हर घड़ी अल्लाह की इताअत में गुजरेगी और इंसान के लिए कामयाबी कामयाबी है। तो किसकी सुने इसके लिहाज से ये छोटा सा एक खुलासा मैंने आपके सामने पेश किया, जो मेरे समेत हर हर मुबल्ले के लिए, हर हर सामे के लिए, हर दर्जा यानी हर उम्र का जो बंदा है उसके लिए, सब के लिए ये जरूरी है कि किसकी सुने, वो नजरियात हो, वो मुशावरत हो, वो हालात हाजरा करंट इश्यूज हो, इन सारी चीजों के अंदर ये बात जो है वो जरूरी है। और बिलखुसूस अगर शोबा सहाफत से ताल्लुक रखने वाले लोग ये गुफ्तगू सुने तो उनके लिए तो हर घड़ी के लिए ये एक मीनारे नूर है कि किसकी सुने और कैसे आगे सुनाए। इस सिलसिला में यानी कुरान मजीद बुरहान रशीद ने बहुत से अहकाम बयान किए हैं और बिलखुसूस हुक्मरानों से हमारी ये रिक्वेस्ट है, अगरचे उम्मीद तो हमें नहीं, लेकिन इस्लामी सल्तनत के जो बॉर्डर हैं वहां पर ऐसे जैम करने वाले आलात नस्ब होने चाहिए कि कोई ताकतवर से ताकतवर सैटेलाइट भी इस्लामी सल्तनत के अंदर अपनी खबर ना पहुंचा सके, ना अपना कोई नजरिया पहुंचा सके, ना अपना कोई पैगाम पहुंचा सके। मुसलमान अपनी बात सुने, अपने नजरिया सुने और अपने उनके जो माहिरीन हैं यानी खबर देने वाले जो सुनाने वाले हैं उनका बहुत बड़ा तजर्बा होना चाहिए। और सबसे पहले तो कुरान और सुन्नत के उलूम के स्पेशलिस्ट हों, क्योंकि उन्हीं से फिजा वार होगी। अब मसलन कोरोना की खबरें हैं एक मीडिया के जरिए आ रही हैं, अब सारी दुनिया उन्हीं खबरों पर एतमाद कर रही है जो एतमाद कर रहे हैं और अपने कोई ज़राए नहीं, और लोगों के कानों में जो डाला जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, यही लोग मान रहे हैं और पता नहीं कि हकीकत क्या है। वैसे मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान इसमें देहातों तक या बिलखुसूस जो बलोचिस्तान के बैकवर्ड एरियाज हैं या सिंध के या दूर दराज इलाकों में अगर कोरोना एक वबा के तौर पर आया है तो फिर किस लिए किसी देहात में किसी कच्चे इलाके में कोरोने की वजह से अपने तौर पर माज़ अल्लाह मर जाने वाले लोग क्यों नहीं नज़र आते? यानी जब भी कोई कोरोने से मरता है तो इनकी निगरानी में ही मरता है। यानी अगर ये बीमारी है तो क्या इनसे पूछ के कहीं आती है? अपने तौर पर बीमारी अगर बॉर्डर क्रॉस करके दाखिल हो चुकी थी, खुदा न खास्ता होती, तो फिर ये होना था कि देहातों के देहातों में एक बंदा सड़क पे चढ़ता गिर गया है, दूसरा उससे 4 फुट आगे गिर गया है, इस तरह करके एक देहात में 10-15 बंदे भी यूं नज़र के सामने एक ख़ास बीमारी में मरते तो पता चल जाता कि ये एक बीमारी है। अब ये ऐसी बीमारी है कि पता भी उन्हीं की किट से चलता है, सही भी उन्हीं के टेस्ट से होती है,
मरता भी उन्हीं के कहने पे है, हम किस चीज़ पे एतमाद कर सकते हैं? यानी अगर कोई वाकई चीज़ है तो ऐसा तो है नहीं पाकिस्तान के यहाँ इतना होल्ड है साइंस का, टेक्नोलॉजी का और डॉक्टरों का कि हर बंदे की ये केयर कर रहे हैं और हर बंदा इनके पास है। करोड़ों लोग इनकी अप्रोच से बाहर हैं और अगर इनसे पूछे बगैर कोरोना आ रहा है तो उन करोड़ों में से कितने हैं कि जिनके ऐनी शाहिद हों, हज़ारों सैकड़ों बंदे कि कोरोना की वजह से एक बंदा तड़प रहा था और हम पहुंच गए हैं और उसको उठा के ले गए हैं, एक बंदा बेहोश होने के करीब था, एक बंदा दीवार से टक्कर मार रहा था, एक भी मिसाल आवाम को क्यों नहीं मिली? यानी कोरोना का होना भी इन्हीं के मरहूने मिन्नत है कि किट से चेक होगा तो फिर कोरोना तलाश होगा और फिर आगे सेहत याब होना भी इन्हीं पे है, बीमार होना भी इन्हीं पे है और उसका मर जाना, पता नहीं वो किस मरज में मरा है जिसको ये कोरोना का जो मरीज बना के दफन कर रहे हैं। तो आफत या वबा, अल्लाह बचाए, वो तो उसके लिए अवाम की आंखें, इंसान की आंखें हर जगह देख लेती हैं कि हमारे ख़ानदान में इतने लोग हैं वो आज सुबह उठे नहीं, उनको उठते वक्त प्रॉब्लम हो गया है, वो बेहोश हो गए हैं, उनकी चीखें निकल रही हैं। पूरी सल्तनत के अंदर एक भी ऐसी मिसाल नहीं है और ये ऐसी बीमारी है जो सारी मीडिया के ज़रिए चल रही है, सारी टेक्नोलॉजी के ज़रिए, यानी जिसकी आमद का पता तो कम अज़ कम आम आँख को भी लग जाए। चलो आगे ठीक है, डॉक्टरों का दखल है, इसकी ये बीमारी हो, इलाज होगा, मगर देहातों के देहात जो आइसोलेशन में नहीं हैं, जिन्होंने ना दिन में इतनी बार हाथ धोते हैं वो, ना उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, हज़ारहा लोग माशरे में चलती खुली सड़कों, बाज़ारों में, घरों में, आज तक कहीं 5-10 सबूत भी नहीं मिल सके कि बीमारी आई है और बीमारी से ये ऐसा हो गया है। तो सिर्फ एक मीडियाई कायनात के ज़रिए से सब कुछ बताया जा रहा है। तो खबर असल ये, हम पहले भी वैसे भी अपने कई मामलात में ये बता चुके हैं कि मुसलमानों की खबर रसा एजेंसियाँ अपनी होनी चाहिए, मुसलमानों का मीडिया अपना होना चाहिए। अब यूरोप का मीडिया स्याह को सफ़ेद कहे तो हमारा मीडिया भी सफ़ेद ही कहेगा, यूरोप का मीडिया दिन को रात कहे तो हमारा मीडिया इतनी जान ही नहीं रखता कि ये कहने नहीं दिन है रात नहीं है। तो इस तरह फिर किस तरह रहनुमाई हो सकती है किसी मुआशरे में, तो किस की सुने? इसके लिहाज से ये एक मैं सिर्फ टच दे रहा हूँ थोड़ा सा। अगर पूरा रमज़ान भी हम बयान करें तो सारे शोबाजात में बिलखसूस सहाफ़त और एंकर और इनके लिहाज से जो कुरानी उसूल आयात हैं कि कितना बड़ा फ़र्ज है ख़बर की तहकीक करके देना और मुनासिब वक़्त में देना, यानी ये नहीं लल्लू पंजू जो है वो सारे जो है वो पैमरा में बिठा दिए जाएं कि जो चीज़ चलानी है वो ना चलाएं, जो नहीं चलानी वो चलाएं, जो सुबह के वक़्त चलानी है वो शाम के वक़्त चलाएं। इस पर कुरान की आयात हैं कि ख़बर चलाने का मुनासिब वक़्त देखो, वरना यही ख़बर मौत बन जाएगी, यही ख़बर वक़्त पर चले हयात बन जाएगी। तो इस बुनियाद पर ये कुरान सुन्नत से लेकर हालात हाजरा के सारे मामलात तक ये हमारा मौजू है, जिसमें आगे सोचने के लिए हमने राहें मुतय्यन की हैं कि कितना सोचा जा सकता है इस पर, और हमारे दीन ने इस सिलसिला में कितना ज़रूरी करार दिया है कि इन चीज़ों को पेश नज़र रखा जाए। आज के हमारे प्रोग्राम में जो ताज़ीती रेफरेंस के लिहाज से प्रोग्राम हमारा है, यकीनन इसाले सवाब की ये जो तकरीब है, हज़रत पीर सैयद अज़मत अली शाह साहेब बुखारी कुद्दस सिर्रहुल अज़ीज़ हमारे मुल्क के नामवर मशायख में से थे, और ये जो खानकाहों के अंदर इन्हितात आ रहा है मुख्तलिफ आस्थानों पर, तो इस सूरत हाल में हज़रत पीर सैयद अज़मत अली शाह साहेब बुखारी
मशाह की सफ में एक गनीमत था उनका वजूद। चूंकि आज बहुत सा तबका अनपढ़ पीरों का सज्जादों पे बराजमान है, और ज़ाहिर है किसी अनपढ़ को भी अनपढ़ कहें तो वो गुस्से में ही होगा, लेकिन जब अनपढ़ होगा तो दल्लू व अदल्लू, ये क्योंकि वो ज़रूर रहनुमाई करेगा, अगरचे चुप सरकार हो इशारों से भी वो कुछ करवा तो रहा है, और जब उसे पता नहीं है कि ज़मीन है या आसमान है या दिन है या रात है, स्याह है या सफ़ेद है अहकाम में, तो वो फिर कैसी रहनुमाई करेगा। तो हज़रत पीर सैयद अज़मत अली शाह साहब बुखारी कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, आप बाकायदा दर्स निज़ामी के फ़ारिग़ुत तहसील थे, और आपने दर्स निज़ामी का एक बड़ा वाज़ हिस्सा बिक्की शरीफ में पढ़ा, जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिजविया बिक्की शरीफ, हज़रत हाफिज़ुल हदीस पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ ने 1940 में जिसकी बुनियाद रखी। तो हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के शेख कामिल हैं हज़रत पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहिब बुखारी, जिनके लखते जिगर हज़रत पीर सैयद बाकर अली शाह साहिब बुखारी कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, और उनके फिर आगे बेटे हैं हज़रत पीर सैयद अज़मत अली शाह साहिब बुखारी। तो इस तरह क़िबला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीरों के शहज़ादे जो हैं अपने पास रखे और उन्हें पढ़ाया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जो पुरानी रिहाइश थी क़िबला हाफिज़ुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की, तो उसमें मेहमान खाने में मैं जब छोटा था तो मैं अलमारियाँ देख रहा था वैसे ही, तो एक अलमारी जो है उसके अंदर चंद जी का नाम लिखा हुआ था, यानी पीर सैयद अज़मत अली शाह बुखारी। तो वो मुझे पता करने से चला कि जब आप रहते थे तो इस अलमारी में अपना सामान रखा हुआ था, यानी मदरसा में नहीं घर के अंदर जो हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का घर था, चूँकि छोटी उम्र में मैं घर भी आना जाना था, और आपका मेरे वालदे गिरामी के साथ बहुत यानी गहरा दोस्ताना था, यानी चंद जी सरकार और अब्बा जी यानी बिक्की शरीफ के मुजाफात में कबूतर का शिकार वगैरह और इस तरह की सरगर्मियों में इकट्ठे जाते थे। ये चंद जी ने मुझे कई बार बताया, अब्बा जी भी बताते रहे। तो बिक्की शरीफ में चंद जी सरकार जो हैं हज़रत पीर सैयद अज़मत अली शाह साहब बुखारी, यानी इनका मबलग इल्म इस लिहाज से भी देखो कि हज़रत हाफिज़ुल हदीस पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब नक्शबंदी कादरी और बहरुल उलूम अल्लामा मोहम्मद नवाज़ कैलानी रहिमहुल्लाह ताला, यानी ऐसे असातिज़ा से हज़रत हाफिज़ मोहम्मद नज़ीर अहमद जलाली साहब हाफिज़ करीम बख्श साहब, ऐसे असातिज़ा से उन्होंने इल्म दीन हासिल किया, और इसके बाद आगे अपनी ज़िंदगी के अंदर भी उन्होंने आम मशायख से हटकर, यानी जो मैंने कहा कि उनका दम गनीमत था कि आम मशायख से हटकर उन्होंने अपने मामूलात रखे, यानी अपनी निगरानी में मसाजिद बनवाना, अपनी निगरानी में मदारिस बनवाना, और फिर ये कि किसी के इल्मी काम में आकर सरपरस्ती करना, यानी हमें तहरीक सिरात मुस्तकीम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदारा सिरात मुस्तकीम से यानी कितने हमारे जो काम हैं उनमें आपने सरपरस्ती की। ये जो इलेक्शन हमारा गुजरा तहरीक लब्बैक इस्लाम का, उसमें बाकायदा तौर पर गोजरांवाला में, और बारहा उन्होंने अपनी ज़ुबान से ये ऐलान किया मदीनतुल इल्म में और बाकी जगह के, डॉक्टर साहब हमें नामूस रिसालत के जिस मसले पर जिस महाज पर भी आवाज़ देंगे हम साथ होंगे, और साथ उन्होंने दिया। यानी जब कई ऐसे मशायख के जिन्हें पता ही नहीं कि अंधेरी आ गई है, तूफ़ान उठा है या अंधरात है, या वो इतने यानी अपने अपने आप के अंदर ही मस्त हैं कि मिल्लत पे क्या गुज़र रही है, तो उनसे हटकर हज़रत पीर सैयद अज़मत अली शाह साहब बुखारी, आपने मुरीदीन की भी तरबियत की, आपने हालात
के मामलात को भी पेश नज़र रखा, तहरीकों में भी हिस्सा लिया, तंजीमों के साथ राबता भी रखा, और फिर एक बीमारी जो बाज़ आस्तानों पे रिफज वाली है, तफजीलियत वाली है, इसका भी आपने डट के मुकाबला किया। और हज़रत मुजद्दिद अल्फ़ेसानी कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ आपके अफकार से मुनसलिक रहे, और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के अफकार से मुनसलिक रहे। यकीनन इल्मे कलाम के लिहाज से ये जो दो शख्सियात बरे सगीर की हैं, इनका जो लिखा हुआ है वो बंदे को अल्लाह के फजल से गुमराह नहीं होने देता। और बहुत कम मशायख हैं कि जो इसका मुताला करते हैं या मुनसलिक रहते हैं। तो ये भी यानी जो ताल्लुक है ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहेब बुखारी, उनकी वजह से ही यानी हमारा जो राबता बरेली शरीफ से है उन्हीं की वजह से है। क्योंकि जब हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने और मौलाना मोहम्मद नवाज़ कैलानी रहमतुल्लाह ताला ने दौरा हदीस पढ़ना था, तो हज़रत पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी ने ख़ुद फ़ैसला किया कि हमने बरेली शरीफ से दौरा हदीस पढ़वाना। यानी उस वक़्त अभी पाकिस्तान नहीं बना था और बरेली शरीफ का सफ़र बड़ा दूर का था, तो लफ्ज़ ये थे कि हमने आखिरी मोर बरेली शरीफ से लगवानी है, कि बरेली शरीफ वालों का अकीदा नूर नला नूर है। तो इस तरह यानी हम लाखों करोड़ों लोगों का राबता बरेली शरीफ के साथ हज़रत पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी के ज़रिए से हुआ। अगरचे फिर यानी जब पाकिस्तान बन गया तो हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान वो भी हमारे हिस्से में आए और फिर उनके ज़रिए से भी, लेकिन पहले वहाँ जाने के लिहाज से बरेली शरीफ ये उनकी आँख देख रही थी हज़रत पीर सैयद नूरुल हसन शाह साहब बुखारी कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की, क्योंकि ये तजवीज़ आ रही थी कि इस साल दौरा के लिए ना जाएं अगले साल जाएं। तो आपने फरमाया नहीं इसी साल जाना, क्योंकि अगला साल था 1947 पाकिस्तान बनने का, यानी फिर ना जा सकते थे ना आ सकते थे। तो इस तरह यानी ये जो राबता था तो आस्था नालिया कालियावाला शरीफ से हज़रत पीर सैयद अज़मत अली शाह साहब बुखारी जो है इन्होंने फिर उन अफकार को भी ज़िंदगी बख्शी। ऐसी किताबें शाया हुई बिलखसूस तफजीलियों के ख़िलाफ़ और शान अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु में, और दीगर जो मसाइल से जो ज़रूरत थी मजल्ला भी निकाला, दारुलूम भी कायम किया। तो इस तरह बैरूनी मुल्क दौरे भी किए पूरी दुनिया के अंदर। मुझे ये शर्फ़ हासिल है कि मैंने बैरूनी मुल्क भी दौरों के अंदर बिलखसूस अरब इमारात में उनके साथ मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया, और वो अल्लाह ताला के फजल व करम से बहुत ताबनाक ज़िंदगी उन्होंने इन सारे पहलुओं के लिहाज से बसर की। मेरी दुआ है कि खालिक कायनात जल्ला जलालहू आपके दर्जात को बुलंद करे, और जितना बड़ा मरकज़ है कलियावाला शरीफ यानी नूर नगर है, उसके लिहाज से अब ज़िम्मेदारियाँ हज़रत पीर सैयद सज्जाद हैदर शाह साहिब जो हैं उनके कंधों पर हैं। अल्लाह ताला उनको मज़ीद हिम्मत और तौफीक अता फ़रमाए, और खालिक कायनात जल्ला जलालहू हज़रत चंद जी सरकार को फिरदौस में बुलंद मकाम अता फ़रमाए। व आखिर दावा अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाज़रीन अब ख़त्म शरीफ होगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل اس محفل مقدس میں جو تلاوت ہوئی، ثنا خوانی ہوئی، بیان قرآن ہوا، ختم شریف پڑھا گیا، یا اللہ مختلف کلمات طیبات ادا کیے گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔
اے اللہ اس پہ اجر و ثواب مرتب فرما، اس کا صاحب سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام، خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین تبع تابعین، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، جمیع المسلمین والمسلمات کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام سلاسل کے اولیاء کرام کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جتنے بھی علمی روحانی اسناد کے ہمارے شیوخ ہیں جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، ان سب کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص حضرت پیر سید عظمت علی شاہ صاحب بخاری قدس سر العزیز کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ آپ کے درجات کو بلند فرما، حسنات کو قبول فرما، سیاح سے درگزر فرما۔ اللہم عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا انت وان محمد رسولک ان کان محسنا فزد فی احسانی وان کان مخطئا فتجاوز عنہ۔ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اللہم اغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس۔ اللهم الحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وثبته بالقول الثابت۔ اللهم عطر منزله وبرد مضجعه واجعل قبره روضه من رياض الجنه۔ يا اله العالمين جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا ثواب حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی قدس سر العزیز کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت مولانا محمد نواز کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ قائد اہل سنت مولانا شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اس کا صاحب حضرت میاں جمیل احمد شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی اور حضرت مجدد الفیثانی کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت میاں شیر محمد شرقپوری اور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین حضرت داتا گنج بخش زویری اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہما کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے اس پروگرام میں پوری دنیا میں جو لوگ اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہیں ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب حالت ایمان میں دنیا سے جا چکے ہیں سب کے ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اپنی والدہ محترمہ مرحومہ کی روح کے لیے پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ قاری فرمان صاحب کے والد محترم کی روح کے لیے پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ یا الہ العالمین حضرت مولانا محمد مظہر قیوم جلالی صاحب کی روح کے لیے پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مفتی محمد عابد جلالی صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، میرے والد محترم کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ چندی سرکار کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ نور نگر کہلے والا شریف کے انوار و تجلیات میں مزید ترقی فرما۔ حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری آپ کے فیوز و برکات سے اس بقعۂ ارض کو مزید منور فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل جتنے بھی شیوخ دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما جو بقید حیات ہیں، اے اللہ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما۔ حضور منانی میاں کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ کے ساتھ ان کا سایہ تادیر ہم سے سلامت فرما۔ یا الہ العالمین کرونا کے وبال سے سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ اس ظالم لاک ڈاؤن سے سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کی رونقوں کو دوبالا فرما۔ یا اللہ کشمیریوں فلسطینیوں کو آزادی عطا فرما۔ میرے مولا ہند کے مسلمانوں کو اپنا علیحدہ دیش عطا فرما۔ یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل مرکز صراط مستقیم جہاں ہم اس پروگرام میں موجود ہیں، یا اللہ اس مرکز کو مزید عروج عطا فرما۔ یا اللہ صراط مستقیم یونیورسٹی کے قیام کے سلسلہ میں خزانہ غیب سے ہماری مدد فرما۔ یا اللہ آخری سانس تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آخری سانس تک اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی
और नमूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासबानी के लिए किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमा। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम को अजीम मकासद में कामयाबी अता फरमा। अल गालिबून को अजीम मकासद में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हमारे जुमला मुआमिनीन मुरीदीन मुखलिसीन मुहिब्बीन मुदर्रिसीन मुबल्लिगीन या अल्लाह सब के काम में बरकत अता फरमा। या अल्लाह सब की तफहीम में बरकत अता फरमा। जितनी जगहों पर भी हमारे मुबल्लिगीन और तनजीमी साथी फाहम दीन कोर्सेज करवा रहे हैं, या अल्लाह सब के अमल में बरकतें अता फरमा। या इलाहल आलमीन हमें शर शैतान से शर इंसान से महफूज फरमा। या अल्लाह दीन के ख़िलाफ़ जितनी भी साजिशें हो रही हैं उन सब को नेस्तो नाबूद फरमा। या इलाहल आलमीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ आखिरी सांस तक वफा करने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्क़िही सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व सहबिही।